जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, चार बार मंत्री रहा हूं, नौ बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था, हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या एक हजार बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है, अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। हम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है, और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आजम खान की जो आदत है, ये सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। यह जानने की बात मानते हुए हमारे जो आदेश हुए दिए, हम उनका पालन करने के लिए खड़ी